हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे वर्ल्ड हिंदी। तो आज का ये वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर नहीं होने वाला। आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूँ। आपने जो भी कमेंट में मुझसे सवाल पूछे हैं उन सब के जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सवाल पूछने वाले हैं राम कुमार साहू। इन्होंने पूछा है सिंचन बड़ा होकर कैसे दिखता था, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल पूछा है आदि गोयल ने, डोरेमोन को हेट करने का कारण नोबिता क्यों है। वेल, मैंने अपनी वीडियो में ये कहा था कि डोरेमोन को कई देशों में हेट किया जाता है जिसका कारण नोबिता है। तो इन भाई ने मुझे उसी वीडियो पर पूछा है कि इसका कारण नोबिता क्यों है। तो इसका कारण नोबिता इसलिए है क्योंकि नोबिता एक कमजोर लड़का है, आलसी लड़का है, डोरेमोन के ऊपर पूरा डिपेंडेंट रहता है, जिस वजह से छोटे बच्चों पर यह बुरा इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से कई देशों में डोरेमोन को नापसंद किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल पूछने वाले है कुमार लोकेश। इन्होंने पूछा है सिंचन द स्पाई वाली मूवी में लास्ट में जब लेमन उसके कान में उसका नाम बताता है तो क्या बताता है, प्लीज बताओ। तो अंत में लेमन ने शिनचैन के कान में अपना असली नाम बताया, जिसे सुनने के बाद शिनचैन थोड़ा शॉक हो गया था, क्योंकि शिनचैन जब पहले टामिको से मिला था तो उसका नाम जानता था, और जब शिनचैन को ये पता चला कि लेमन का असली नाम टामिको है तो वो सदमे में चला गया। तो ये बताया था लेमन ने शिनचैन के कान में, पर मैंने इस वीडियो में एक मिस्टेक कर दी। मैंने इस वीडियो में ये बोल डाला कि शिनचैन स्पाई वाली मूवी पहले आई है और विलन और दुल्हन बाद में, पर हकीकत में कुछ और ही है, इसका उल्टा है। वेल, मैंने ये गलती क्यों की, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था शिनचैन मूवी स्पाई पहले आई है तो उसको कैसे पता चला कि टामिको लेमन है। उसने इंडिया के टाइमलाइन के हिसाब से मुझसे सवाल पूछा, क्योंकि इंडिया में शिनचैन स्पाई वाली मूवी पहले आई है और विलन और दुल्हन बाद में, जिस वजह से मैं भी जोश जोश में देखा नहीं, सीधा वीडियो बना डाला और मैं ये देखना भूल गया कि असलियत में कौन पहले आया है और कौन बाद में। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है इस वाले वीडियो में। तो ये वाला वीडियो मैंने डिलीट इसलिए नहीं किया था क्योंकि इस पे कहीं ज्यादा व्यूज आ गए थे। खैर, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये सवाल पूछने वाले हैं दिलीप कुमार शाह। वो क्लाउड क्या है शिंको के ऊपर ? फिलहाल तो उस क्लाउड के ऊपर किसी भी तरीके का कंफर्मेशन नहीं है कि वो क्या चीज है। अभी तक ये मिस्ट्री है, अब तक ये शिनचैन के राइटर्स ने भी नहीं बताया है कि ये शिंको के सिर पे क्या है। मे बी ये टाइम मशीन हो सकता है जो हेमा मालिनी ने शिनचैन से ले लिया था विलन और दुल्हन वाले मूवी में, और इससे रिलेटेड एक वीडियो जरूर आएगा इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि 95% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको भी जानना है अपने मन के सवालों के जवाब तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। आपका जो भी सवाल होगे आप मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, तो जाओ फॉलो करो और सवाल पूछो। ये नहीं कि रात को 3 बजे मैसेज कर दिए और बोले कि नहीं भाई मुझे तो इंस्टेंट मैसेज नहीं मिला। आपको मुझे सिर्फ दिन में मैसेज करना है, जब इंसान लोग जगे हुए रहते तब, रात को 3 बजे नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये सवाल पूछने वाले हैं फुलतुसी बीबी। तो इन्होंने पूछा है लेमन टामिको कैसे हो सकती है शिनचैन से, तो वो काफी बड़ी है। तो शिनचैन स्पाई वाले मूवी में हमें ये दिखाया गया था कि शिनचैन 5 साल का है और लेमन 7 साल के, तो उसके बाद हमें शिनचैन विलन और दुल्हन वाले मूवी में जब टामिको फ्यूचर से आती है तो शिनचैन को बोलती है कि ये आज से 25 साल बाद वाला दुनिया है, तो वहाँ पे शिनचैन की उम्र 30 साल होगी और लेमन की उम्र 32 साल होगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, लेमन टामिको कैसे हो सकती है शिनचैन से, तो लेमन काफी बड़ी है, तो इससे प्रॉब्लम क्या है, कुछ समझा नहीं। हाँ, तो बड़ी है तो बड़ी है। हमें शिनचैन विलन और दुल्हन वाले मूवी में ये थोड़ी बताया गया था कि टामिको शिनचैन से छोटी है। हमें उन दोनों के एज के बारे में किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन दिखाया ही नहीं गया था। तो लेमन चाहे शिनचैन से बड़ी हो या छोटी, टामिको चाहे शिनचैन से बड़ी हो या छोटी,
लेमन इज कैमिको, यही मेरा मानना है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो ये पूछने वाले हैं अंजू सूर्यवंशी, इन्होंने पूछा है टामिको के मॉम के बारे में बताइए। क्या बताओ, हमें स्पाई वाली मूवी में टामिको के मॉम को दिखाया गया था, पर हमें विलन और दुल्हन वाले मूवी में टामिको के मॉम को नहीं दिखाया गया था, पर इसके बारे में क्या ही बताओ। हो सकती है किसी वो इन एक्सीडेंट के चलते गुजर गई हो, जिस वजह से हमें सिंचन विलन और दुल्हन वाले मूवी में टामिको के मॉम को नहीं दिखाया गया था, सिर्फ उनके पापा को ही दिखाया गया था। तो बढ़ते हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ। तो ये सवाल पूछने वाले है सिंड्रेला दास। तो इन्होंने पूछा है सिंचन काटालगा मूवी में जिस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया था उसका रियल नाम क्या है, मेरा मतलब जो लड़की हमेशा स्मार्टफोन में बिजी रहती है। तो आपको इनका नाम जानना है। तो अगर आपने पूरी मूवी एकदम ध्यान से देखा होगा तो इस लड़की के दो नाम सामने आए हैं, सुमाहो और फ्रांसिस्को। अब सुमाहो और फ्रांसिस्को दो अलग अलग नाम है। जब इस मूवी में हैरी पहली बार वो लड़की से मिलती है तो उसे पूछती है तुम्हारा नाम सुमाहो है ना, पर वो लड़की कहती है ये फालतू के बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास, तब वो लड़की इग्नोर करके चली जाती है। पर हमें मूवी के खत्म होते होते वो लड़की खुद बताती है कि मेरा नाम फ्रांसिस्को है, तब हम कंफर्म हो जाते हैं कि उसका नाम फ्रांसिस्को है, फ्रांसिस्को। और एक बात, कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इस मूवी के एंडिंग में सिंचन को एकदम सेटल लाइफ की तरह दिखाया जाता है मैक्सिको के अंदर, क्या वो वापस कभी कासुकाफे आया था, इसके बारे में हमें दिखाया नहीं जाता। और अगर आपने मूवी को एकदम एंड तक देखा, पूरा वो सब नाम खत्म होने के बाद भी देखा, तो वहाँ पे कजामा को एक लेटर आता है जो कि सिंचन ने भेजा होता है। उसमें लिखा होता है कजामा मेरे दोस्त, मैं जल्दी आ रहा हूँ, मेरे डैड का ट्रांसफर कैंसिल हो गया, जिस वजह से कजामा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और स्माइल देते हुए रोता है। तो ये था मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, इसलिए बोलता हूँ मूवी को हमेशा पूरा देखा करो वरना ना देखो। और आज की वीडियो में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये जो लड़की फोन यूज करती है ये कौन सा फोन है, आपको मुझे कमेंट में बताना है। ऐसा नहीं कि आप सीधा ब्रांड का नाम बता दोगे, आपको मुझे ब्रांड का नाम बताना है, उसके साथ साथ एक रीजन भी देना है कि क्यों ये यही ब्रांड का फोन है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।